नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अखिल यादव और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति। इस वीडियो नोट से पहले हम आपको 7 वीडियो नोट्स उपलब्ध करवा चुके जो कि भारतीय कला और संस्कृति पर आधारित हैं। वहीं ये वीडियो नोट नंबर आठ है या भाग 8 कह सकते हैं। इसमें हम गुप्त काल के मंदिरों की वास्तुकला का बात करेंगे। इससे भी पहले हमने गुप्त काल की वास्तुकला की बात की, लेकिन उनमें हमने गुफाओं, स्तूपों और मूर्तियों के बारे में बात की थी। इसमें हम केवल और केवल मंदिरों का जो क्रमिक विकास हुआ, जो जो चीज़ें उनमें बदलती गई, छतें सपाट थी, छतों के ऊपर शीर्ष बने, मंदिर कम ऊंचाई पे बने थे, मंदिर ज़्यादा ऊंचाई पे बनने लगे, मंदिरों का आकार वर्गाकार था, मंदिरों का आकार आयताकार होने लगा, द्वार मंडप के स्तंभों की आकृति बदलने लगी, जो भी विशेषताएं हैं हम इनको धीरे धीरे एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, मंदिरों का जो क्रमिक विकास हुआ उसको समझने के लिए, ठीक है, हम इसको 5 चरणों में बांट सकते हैं। हम एक एक चरण को अच्छे से देखते हुए चलते हैं। चलिए बात करते हैं गुप्त काल के मंदिरों के क्रमिक विकास की, पहले चरण की, ठीक है। इस चरण में क्या हुआ कि मंदिर देखने की दृष्टि से, उनका आकार की दृष्टि से देखने पर वो कैसे प्रतीत होते हैं, वर्गाकार। कैसे प्रतीत होते हैं, वर्गाकार, ठीक है। वहीं हम बात करें मंदिर के छत की, तो छतें वहाँ पे सपाट होती हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी उभार या कोई भी आकृति वहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखिए, मंदिर के जो सामने जो द्वार मंडप वाला भाग होता है, बरामदा जिसको बोल दो, वो उथले हुए खंभों पर टिका हुआ था, ठीक है। कुछ खंभे बने हुए थे, खंभों के ऊपर ये वाला भाग टिका हुआ है, और पूरी संरचना ही जमीन से कम ऊंचाई पर बनी हुई थी, जमीन से ऊंचाई कम ली गई थी। इस पहले चरण की ये सामान्य सी बातें हैं। अब इसके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। सांची का मंदिर है नंबर 17। इसमें देखिए, जो हमने बात बताई आपको पहले चरण की, वो इसमें सारी मिलेंगी। देखिए, इसका छत देखिए आप, पहले सबसे पहले सपाट है, किसी भी प्रकार की कोई भी उभार या आकृति नहीं बनी हुई है। दूसरी बात, इसका आकार वर्गाकार है। तीसरी बात, इसके जो ये द्वार मंडप है, ये वाला भाग, ये देखिए उथले हुए खंभों पर टिका हुआ है, ठीक है। ये खंभे हैं, देखिए, स्तंभ कह दीजिए, खंभे कह दीजिए, इनके ऊपर ये टिका हुआ है। तीसरी बात, हम कहते हैं कि ये कम ऊंचाई पर बना था, तो देखिए जमीन से सिर्फ 1 और 2, दूसरा स्टेप ही है, और तब इस मंदिर का क्या हुआ, निर्माण कर दिया गया। तो इस काल में जो विशेषताएं थी हमने अच्छे से समझ ली। चलिए बात करते हैं दूसरे चरण की। इस चरण में क्या हुआ, मंदिर की कुछ विशेषताएं, इसमें एक तो ऊंचाई बढ़ गई, ठीक है, मंदिर पहले चरण से अधिक ऊंचाई पर बनने लगे। कहीं कहीं पर इसमें क्या हुआ कि 2 मंजिला मंदिर भी मिले, 2 मंजिला मंदिर भी यहाँ पे प्राप्त हुए। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा है, बदल रहा है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, वो भी ढका हुआ प्राप्त होता है। देखिए, गर्भगृह वो होता है जहाँ पे मुख्य देवता की मूर्ति होती है, जिसकी पूजा की जाती है, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब जिसमें चक्कर लगाकर जो भी अनुयायी होते हैं वो अपनी पूजा अर्चना का कार्य पूरा करते हैं, या पूजा अर्चना का एक भाग होता है। तो उस गर्भगृह के चारों ओर, ठीक है, ये गर्भगृह है, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, ये जिसमें चक्कर लगाया जाता है। ये प्रदक्षिणा पथ ओपन नहीं है, कैसा है, ढका हुआ है। कैसा, ये प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या हुआ, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ है। तो ये दूसरे चरण की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो वो है पार्वती मंदिर, नचना कुठार में स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर इसी आधार पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा चरण, गुप्त काल के मंदिरों का विकास का तीसरा चरण। इसमें क्या हुआ, मंदिर पर सपाट जो छतें बनती आ रही थी अभी तक, वो सपाट छतों की स्थान पर शिखर बनने लग गए। क्या बनने लग गए, शिखर बनने लग गए। आपने देखे होंगे मंदिरों के शिखर बनने लग गए कैसे भी करके, ठीक है। और क्या हुआ, अभी भी मंदिरों की ऊंचाई कम ही थी, यहाँ भी मंदिरों की ऊंचाई क्या थी, कम थी। स्थल से बहुत कम ऊंचाई पर उठाकर ही मंदिर को स्थापित कर दिया जाता था।
मंदिरों की पंचायतन शैली यहाँ पे शुरू हुई। देखिए पंचायतन शैली ये है, पांच मंदिरों का समूह होता है, वहां पर एक मंदिर मुख्य होता है, बाकी चार मंदिर उसके पास और होते हैं, ठीक है। तो ये पंचायतन शैली के मंदिरों की यहाँ से शुरुआत हुई, जिसके अंदर बीच में जो मंदिर होता है वो मुख्य मंदिर होता है, बाकी चारों और जो देवता जो और होते हैं उनके मंदिर होते हैं। तो मुख्य देवता का मंदिर बीच में होता है, या हम कह सकते हैं कि मुख्य देवता की मूर्ति बीच में होती है, बाकी मूर्तियां चारों तरफ होती हैं। चलिए बात इसमें एक और विशेषता है कि मंदिरों का आकार वर्गाकार ही था। मंदिरों का आकार तो यहां पर भी वर्गाकार ही था, लेकिन क्या हुआ कि उसके सामने जो मंडप होता था वो लंबा होता था, तो इसका आकार अब कुल मिला के कैसा हो जाता था मंदिर का, आयताकार, ठीक है। तो मंडप का आकार लंबा होने के कारण चौकोर मंदिर भी कैसा दिखता था, लंबा दिखता था और उसकी आकृति आयताकार हो गई। तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, जो कि यूपी में स्थित है, हम इसके एग्जाम्पल के रूप में उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चरण की, चौथे चरण की, गुप्त काल के मंदिरों के क्रमिक विकास में चौथे चरण की। इसमें क्या होता है कि मंदिर लगभग एक जैसे ही थे, थोड़ा सा अंतर यही हुआ यहाँ पर कि अब मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गया। इसका एग्जाम्पल है शोरापुर का तेर मंदिर। देखिए मंदिर अब वर्गाकार की बात ही नहीं बची, मंदिर अधिक आयताकार हो गए, ठीक है, लंबाई में ज्यादा बनने लग गए, चौड़ाई में कम बनने लग गए। तो यही इसके अंदर एक अंतर था, मंदिर बाकी वैसे ही बनते आ रहे थे जैसे पिछले तीन चरणों के अंदर धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। अंतिम चरण की बात करें, पांचवा चरण, इसमें क्या हुआ कि वृत्ताकार मंदिर बनने लगे, ठीक है, गोल गोल मंदिर बनने लगे और उथले आयताकार किनारे लिए थे, बाकी इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मंदिरों की आकृति की बात करें तो गोल बनने लगे, दूसरी प्रकार से बाहर की ओर निकले हुए उथले आयताकार किनारे लिए हुए थे वो मंदिर के ऊपर, ठीक है, तो और बाकी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और इसका एग्जाम्पल है मनियार मठ राजगीर के अंदर जो है वो इसी प्रकार का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए मंदिर वास्तुकला की शैलियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि मुख्य रूप से मंदिरों में हिंदू मंदिरों की बात करें तो उसमें क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं उनके, ठीक है। तो गर्भगृह हमने अभी आपको पिछले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक छोटा सा कक्ष होता है जिसमें मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित करते हैं, मुख्य देवता को स्थापित करते हैं, वो होता है गर्भगृह। तो मंदिर का गर्भगृह मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित वाले स्थान से है, उस कक्ष से है जिसमें मुख्य देवता, जिस उपलक्ष में उस मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस देवता के उपलक्ष में उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है। दूसरा भाग बताते हैं मंडप आपको, मंडप मंडप दो तीन चार बार हम बोल चुके हैं अभी। तो मंडप मंदिर का प्रवेश स्थल होता है, मंदिर में प्रवेश करने वाला स्थल होता है, ऐसा स्थान जहाँ सामान्य रूप से बहुत सारे लोग पूजा कर सकें, एक तरीके से हम इसको सभा भवन कहते हैं। तो मंदिर से पहले का जो स्थान होता है, ठीक है, वो ढका हुआ होगा और वो एक तरीके से सभा भवन होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होकर या बैठकर एक साथ पूजा कर सकते हैं, उसे मंडप कहते हैं। तीसरा देखिए शिखर, मंदिर का ऊपरी भाग छत के ऊपर बना हुआ, ठीक है, मंदिर का ऊपरी भाग शिखर, जो पिरामिडीय आकृति का हो सकता है और वक्र रेखीय आकृति का भी हो सकता है। तो ये मंदिर का क्या है, शिखर है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मंदिर के शिखर है जो पर्वत जैसा होता है और ये मंदिर के छत को एक पिरामिडीय या वक्र रेखीय आकृति दे दी जाती है। नेक्स्ट बात करें वाहन की, तो प्रमुख जो देवता होता है उसका वाहन, ठीक है, उसकी सवारी जो होती है वो मंदिर के अंदर दिखाई देती है, पवित्रतम स्थल के ठीक सामने इसे लगाया जाता है। वाहन को क्या करते हैं, पवित्रतम स्थल जो भी देवता है ना, उसके एकदम सामने उस वाहन को लगाया जाता है, जिस भी पशु को या और भी कोई चीज है जिसके साथ उसको जोड़ा जाता है देवता को, जिसके साथ उसकी पूजा की जाती है, जिससे ये माना जाता है कि देवता इस पर ही बैठकर विचरण करते हैं या इसी पर बैठकर यहाँ पर आते हैं, तो ये उनके साथ ही रहता है, तो वो उनके सामने उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है वाहन की। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में है ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। मंदिर निर्माण की शैलियों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो तो चरण थे,
कि ऐसे ऐसे हम उनके चरणों में बांट दिया उनको कि भाई कभी आयताकार थे, कभी वर्गाकार थे, कभी फिर ज्यादा आयताकार होने लगे मंदिरों का जो आकृति थी वो हमने चरणों में बांट के समझ ली। अब हम बात करेंगे मंदिर बनाने की जो शैली है, ठीक है, जो उनकी तरीका है उसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम नागर शैली का। देखिए ये 5वीं शताब्दी के बाद में तो विकसित हुई है। कब हुई है? 5वीं शताब्दी के बाद में विकसित हुई है और भारत के उत्तरी भाग में है ये। कहाँ है नागर शैली? भारत के उत्तरी भाग में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ वो नागर शैली मंदिर में बने और 5वीं शताब्दी के बाद में ये विकसित हुई। इस शैली में ही पश्चिमी, मध्य व पूर्वी भाग में उपशैलियां विकसित हुई। इस नागर शैली में ही क्या हुआ, कुछ उपशैलियां भी निकली जो कि पूर्वी पूर्वी भाग में, मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में उनके ऊपर मंदिर बने। तो ये उपशैलियां हैं ना, हम इनको, इनके ऊपर हम तीन उपशैलियों को विशेषतः देखते हैं। एक तो है जी ओडिशा शैली, दूसरी खजुराहो शैली और तीसरी है सोलंकी शैली। ठीक है, ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली नागर शैली की तीन उपशैलियां हैं। यहां तक समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नागर शैली की विशेषताओं की बात करते हैं। अभी मंदिर में सामान्यतः पंचायतन शैली को अपनाया गया है। पंचायतन शैली आपको अच्छे से ध्यान आ गया होगा, ये वाला बनाते ही आप समझ गए होंगे कि एक मुख्य देवता का मंदिर, बाकी चार गौण देवताओं के मंदिर। और मुख्य देवता का जो मंदिर होता था उसके सामने ही सभा कक्ष या मंडप होता था। ठीक है, मंडप जो अभी हमने बताया, पूजा करने का स्थान, मंदिर के एकदम सामने, सभा स्थल बोल सकते हैं उसको। और गर्भगृह के बाहर, ये बाहर है, ये बाहर लिखा गया है, बाहर, ये नदी भी थोड़ा गलत लिखा गया है। तो बाहर, गर्भगृह के बाहर, गर्भगृह वहां जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, बाहर नदी देवियों की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। तो नागर शैली की ये विशेषता है कि गर्भगृह के बाहर नदी देवियों की मूर्तियां वहां पे लगाई गई हैं। मंदिर परिसर में जलाशय नहीं है। नागर शैली में, नागर शैली के बने हुए मंदिरों में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तालाब या किसी प्रकार का जलाशय वहां पर नहीं है, ठीक है, उसका निर्माण नहीं मिला। तो द्वार मंडप में स्तंभों का प्रयोग हुआ है, खंभों का प्रयोग हुआ है, स्तंभों का प्रयोग हुआ है नागर शैली के अंदर द्वार मंडप में। मंदिर निर्माण भूमि से ऊंचे मंच पर हुआ है। मंदिर निर्माण है वो जो जमीन का जो स्तर है उससे ऊपर उठाकर ही हुआ है नागर शैली में, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ है, गर्भगृह के चारों ओर पाया जाता है। प्रदक्षिणा पथ जिसमें चक्कर लगाया जाता है अनुयायियों के द्वारा पूजा करते समय, तो वो गर्भगृह के चारों ओर ही है और ढका हुआ भी है। ठीक है, वो ओपन नहीं है, नागर शैली की ये विशेषता है, नागर शैली के मंदिरों की ये विशेषता है। यहाँ पे शिखर का निर्माण भी होता है मंदिर के ऊपर। मंदिर परिसर चार दीवारी से घिरा नहीं होता, मंदिर परिसर में कोई भी बाउंड्री नहीं होती, मंदिर परिसर ओपन होता है, किसी भी चार दीवारी से वो घिरा नहीं रहता। मंदिर का प्रवेश द्वार भी नहीं होता था, डायरेक्ट आप मंदिर के मंडप और गर्भगृह में जा सकते थे, प्रदक्षिणा पथ में चक्कर लगा सकते थे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवेश द्वार नहीं बना हुआ। ये नागर शैली की क्या है, विशेषताएं हैं। आइए बात करते हैं नागर शैली की उप शैलियों की, जो हमने कितनी देखी थी, तीन। तो पहली हम बात कर लेते हैं ओडिशा शैली। देखिए जो कलिंग है ना, कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में, ठीक है, मंदिर वास्तुकला विकसित हुई। नागर शैली की ये उपशैलियां ही हैं एक तरीके से, क्योंकि इनमें वो चीजें अपनाई गई हैं। तो कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में मंदिर की वास्तुकला की कुछ शैलियां विकसित हुई। मंदिर की बाहरी दीवार पर नक्काशी बारीक और भीतरी दीवार पर नक्काशी नहीं की गई, जो भी चित्रकारी की गई बाहरी दीवार पर बारीक नक्काशी की गई है ओडिशा शैली के मंदिरों में, भीतरी दीवार पर कुछ भी नहीं है, दीवारें सपाट हैं। मंडप जो होता है इसका, इसको जगमोहन कहते हैं। देखिए ओडिशा शैली में क्या है, ओडिशा शैली के बने हुए मंदिरों के जो मंडप हैं उसका नाम क्या दे दिया गया है, जगमोहन। क्या दे दिया गया है, जगमोहन। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जगमोहन क्या है, ये मंडप है ओडिशा शैली में बने हुए मंदिरों का। शिखर को रेखा दोल कहा जाता है, रेखा देउल, तो रेखा देउल क्या है, शिखर मंदिर का। मुख्य मंदिर वर्गाकार ही होता है, मुख्य मंदिर वर्गाकार ही होता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही प्रसिद्ध है
कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए अब बात करेंगे खजुराहो शैली की। दूसरी, ये शैली कहाँ पर आई जी? मध्य भारत में आई। मध्य भारत में खजुराहो शैली आई। चंदेल शासकों द्वारा मंदिर निर्माण हुआ खजुराहो शैली में। ये इसे चंदेल शासकों द्वारा इस शैली में निर्माण करने के कारण ही इसे कौन सी शैली कह दिया गया? चंदेली शैली भी कह दिया गया। भाई खजुराहो जो शैली है उसको चंदेली शैली क्यों कह दिया गया? क्योंकि चंदेल शासकों ने इस शैली के अंदर मंदिरों का क्या किया? निर्माण किया। अब मंदिर के बाहरी और नक्काशी है इसमें, ठीक है, और मंदिर के भीतरी और भी नक्काशी है, बारीक। बाहरी और भीतरी दोनों तरफ इसमें नक्काशी है, चित्रकारी की गई है। ओडिशा शैली में सिर्फ बाहर था, अंदर नहीं था। इसके अंदर, बाहर और अंदर दोनों तरफ नक्काशी, बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। नक्काशी की मूर्तियां सामान्यतः कामुक शैली की हैं, ठीक है, उनके अंदर कामुकता का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पे विशेषतः तीन कक्ष हैं इस शैली में। एक तो बनाया गर्भगृह, फिर बनाया मंडप और फिर बनाया अर्ध मंडप। ये तीन कक्ष इस शैली की विशेषताएं हैं, इसी आधार पर ये मंदिर बने हुए हैं। अंतराल क्या है? देखिए गर्भगृह तक जाने का जो गलियारा बनाया जाता था वो क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। इस मंदिर में अंतराल का निर्माण होता था। गर्भगृह तक जाने का जो गलियारा बनाया जाता था उसे अंतराल कहते हैं। पंचायतन शैली का ही प्रयोग हुआ इसमें भी। खजुराहो की बात कर रहे हैं हम, और विश्वनाथ मंदिर खजुराहो ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरी उपशैली नागर शैली की, सोलंकी शैली। देखिए सोलंकी से सोलंकी शासकों की बात पता चलती है कि सोलंकी शासकों के संरक्षण में ही इन मंदिरों का निर्माण हुआ, इस शैली का विकास हुआ। कहाँ कहाँ पाई गई है? गुजरात और राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात और राजस्थान में ये विशेषतः ये शैली विकसित हुई। इस शैली से बने हुए मंदिर मिले। दीवारों पर यहाँ पे नक्काशी नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप कि सोलंकी जो शैली है ना, यहाँ की दीवारों पर नक्काशी नहीं है, ना तो बाहर की दीवारों पर, ना ही मंदिर के अंदर की दीवारों पर किसी भी प्रकार की कोई भी चित्रकारी नक्काशी नहीं की गई है। सजावटी धनुषाकार द्वार होते थे, तोरण, ठीक है, जो कि बरामदे में होते थे। जो बरामदे होते थे ना, वहां पे तोरण का निर्माण किया गया था। धनुषाकार, धनुष के आकार के, अर्धचंद्राकार बोल सकते हैं आप उनको, ऐसे तोरणों का निर्माण वहां पे हुआ था। एक विशेष बात है यहाँ पर कि इस शैली में बावड़ी मिली है, बावड़ियों का निर्माण मिला है, जिन्हें सूर्य कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य कुंड। बावड़ी की सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर मिले हैं जिनमें लकड़ी की नक्काशी की गई है। ये चीज एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो सोलंकी शैली है ना, इसके अंदर मंदिरों के जो परिसर है उसके अंदर बावड़ी प्राप्त हुई है, जिन्हें सूर्य कुंड कह दिया। ये बावड़ी की जो सीढ़ियां बनी हुई थी, जो बावड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थी, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या बना दिए गए? मंदिर बना दिए गए बहुत सारे, ठीक है, और इन मंदिरों में नक्काशी की गई, चित्रकारी की गई, किसकी? लकड़ी की चित्रकारी यहाँ पे की गई। तो ये विशेषताएं हैं जो इनको अलग से उपशैली बनाती हैं। विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग हुआ मंदिर बनाने के लिए। अधिकांश मंदिर कैसे हैं? पूर्व मुखी मंदिर हैं, पूर्व की ओर उनका मुख है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व की ओर ही खुलता है। इसकी हम उदाहरण की बात करें तो सूर्य मंदिर मोडेरा गुजरात में स्थित है, ठीक है, जो कि इस शैली का अच्छा खासा उदाहरण है। हम इनके चित्र भी आपको दिखा देते हैं। देखिए विश्वनाथ मंदिर खजुराहो की जो हमने बात की थी, देखिए इस शैली में एक बात और है। ये जो मंदिर बने हैं ना, ये पंचायतन शैली के ही हैं, और इनमें देखिए आप ये जो शिखरों की आकृति है ना, ये पर्वतों के समान प्रतीत होती है। किनके समान प्रतीत होती है? पर्वतों के समान प्रतीत होती है। यह है विश्वनाथ मंदिर खजुराहो, यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए सूर्य मंदिर है मोडेरा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, जिसकी हमने अभी बावड़ियों की बात की थी। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनमें लकड़ी की नक्काशी है, और ये मतलब जलाशय का यहाँ पे
मिला है एक कि यहाँ पे बावड़ियों का निर्माण मिला है इस प्रकार के मंदिरों में। तो दोस्तों ये थे मंदिर की वास्तुकला के बारे में। अब हम चलते चलते कुछ मंदिर भी देख लेते हैं, प्रमुख मंदिर। पिछले वीडियो नोट में भी हमने देखे थे, इसमें भी देख लेते हैं। सोमनाथ का मंदिर देखिए वेरावल गुजरात में स्थित है, भगवान शिव को ये समर्पित है। तो सोमनाथ का मंदिर किस देव को समर्पित है? भगवान शिव को। इतिहास में इसे कई बार लूटा, आप लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी ने इसको कई बार लूटा था। वर्तमान की बात करें तो ये इसकी जो शैली है ना वो चालुक्य शैली में बना हुआ ये मंदिर है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट देखिए द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, द्वारका गुजरात में ये स्थित है, चार धाम में से ये एक है। नागेश्वर मंदिर या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी द्वारका गुजरात में स्थित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नोट में या उससे आगे वाले में बता देंगे 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे हैं, उनमें ये एक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। इसके अलावा 11 अलग अलग स्थानों पर भी ज्योतिर्लिंग हैं। नेक्स्ट देखिए भोरम देव का मंदिर, ये चोरा गांव छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। और इसकी एक विशेष बात यह है कि कामुक मूर्तियों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन सा मंदिर है? भोरम देव का मंदिर। तो दोस्तों वीडियो नोट आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।